अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर क्लास थ्री। ठीक है, क्लास थ्री के इंग्लिश ग्रामर है। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर है। देखें क्या है हमारा फर्स्ट लेक्चर, नाउन। टॉपिक क्या है हमारे पास? नाउन। नाउन क्या है? इसम। अब नाउन की हमने डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे आपको ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हम ये देखते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। यानी आपको नीचे ट्रांसलेट भी दी हुई है, आपको समझने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तारीफ है हमारे पास, किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। मसलन यानी एग्जांपल है हमारे पास अली, गर्ल्स, शेयर, डियर, लाहौर वगैरह, इसम नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ नाउन। इसम की इकसाम यानी नाउन्स की काइंड्स हमने पढ़नी है। तो कितनी हमारे पास इसकी काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं? टू। यानी इसम की इकसाम है, कहते हैं इसम की कुल पाँच इकसाम हैं। इनमें से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दो इकसाम दर्ज आइल हैं, यानी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? इसमें नकरा। और प्रॉपर नाउन क्या है? इसमें मार्फा। कॉमन नाउन क्या है? इसमें नकरा। द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। किसी भी आम शख्स, कॉमन क्या है? जो आम चीज़ होती है ना, जो मिलती जुलती होती है वो आम होती है ना। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं, जैसे सिटी, बॉय और बुक वगैरह। बॉय से मुराद कोई भी लड़का है, सिटी से मुराद कोई भी शहर है, और बुक से मुराद कोई भी किताब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी काइंड है प्रॉपर नाउन। इसमें मार्फा, द नेम ऑफ अ पर्सन कॉल्ड, द नेम ऑफ अ पर्सन स्पेशल पर्सन, द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंक इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। कहते हैं किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे द होली कुरान, फैसलाबाद, अहमद वगैरह। अहमद ख़ास लड़के का नाम है, फैसलाबाद ख़ास शहर का नाम है, और कुरान पास हमारी मुकद्दस किताब का नाम है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कहते हैं इसमें नकरा और इसमें मार्फा में फ़र्क करें, यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क बताना है हमने। कहते हैं किसी भी आदमी को मैन कहेंगे, लेकिन शायद एक ख़ास आदमी है। हम किसी भी आदमी को हम मैन कहते हैं, लेकिन शायद एक ख़ास आदमी है। किसी भी औरत को वुमेन कहेंगे, लेकिन हाजा किसी ख़ास औरत का नाम है। किसी भी लड़के को बॉय कहेंगे, लेकिन हनान ख़ास लड़के का नाम है। इस तरह आपको दीगर नामों में फ़र्क समझ सकते हैं। कहते हैं सरकती प्रॉपर नाउन्स। अब हमने क्या करना है, इस्माए मौरफा के गिर्द दायरा लगाएं। एक दफ़ा हम फिर प्रॉपर नाउन को देखते हैं क्या है हमारे पास। अ नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंक इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब हम इंग्लिश ए हमने की है, मैंने आपको तब भी ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाउन्स के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर चुकी हुई हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, सर्कल द प्रॉपर नाउन। हमने क्या करना है, इसमें मार्फा के गिर्द दायरा लगाना है। जैसे अभी हमने पढ़ी है कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। अब यहाँ पर है सियालकोट, स्टूडेंट, अक्रम, फ्लैग, बुक, गॉड, टेबल, टीचर, पेंसिल, रबर, बैग, हाउस, स्कूल, चौक, पैरिस, पैरो, आयशा, गर्ल, बॉय, हामिद, मैन, बेबी, शाहरोज, लाहौर। इसमें से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी का नाम है ख़ास लड़के का नाम है, कौन सा ख़ास शहर का नाम है, और कौन सी एक ख़ास मुकद्दस किताब है, जो भी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ, गॉड अल्लाह स्पेशल नेम है। ठीक है, फ्लैग, इसी तरह आप देखें लाहौर स्पेशल सिटी है। इसी तरह आपने
बताना है, आपने सर के करना, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ का आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंग्लिश बी का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई आपने मेरे से ग्रुप में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।